गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अदिति। होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट एंड सेफ एट योर होम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट माय फेवरेट इंग्रेडिएंट इन स्किन केयर, दैट इज रोज। तो रोज मेरा हमेशा से फेवरेट इंग्रेडिएंट रहा है स्किन केयर में। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट रोज वाटर। डू वी रियली नीड रोज वाटर, या ये एक सिर्फ और सिर्फ एडिशनल स्टेप है इन आवर स्किन केयर? किस किस स्किन कंसर्न को रोज वाटर की जरूरत है, या किस स्किन टाइप को रोज वाटर की एक्चुअली जरूरत है, एंड फ्यू सजेशंस ऑफ रोज वाटर? इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, देन कीप ऑन वॉचिंग बिफोर मूविंग इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वेट किस चीज का करें? प्लीज वो रेड बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आप मेरे किसी वीडियोज को मिस ना कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर पर्सनलाइज स्टफ, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ स्क्रीन पे मेंशन है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ विदाउट एनी फर्दर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज रोज वाटर एंड व्हाई डू वी रियली नीड रोज वाटर इन आवर स्किन केयर। सबसे पहले तो हम रोज वाटर पे यूज करते हैं एज अ टोनर। जब भी हम स्किन को क्लीन कर लेते हैं, क्लेंस करने के बाद हम यूज करते हैं टोनर। टोनर की जगह हम यूज कर सकते हैं रोज वाटर, बिकॉज रोज वाटर स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन को रिफाइन करते हैं, स्पेशली स्किन के पीएच बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो कुछ लोग बिलीव करते हैं टोनर स्टेप में, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं टोनर्स यूज करने में, दे जनरली स्विच टू मॉइस्चराइजर्स। आई एम अ पर्सन हु जनरली बिलीव इन रोज वाटर एंड आई जस्ट लव रोज वाटर। आई जस्ट कांट इवन इमेजिन अ सिंगल डे विदाउट अप्लाइंग रोज वाटर। आई रिमेम्बर जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था स्किन केयर क्या होता है, या स्किन क्लीन करनी होती है उसमें टोनर मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं पता था। तब आई यूज टू टेक रोज वाटर फ्रॉम माई फ्रिज। माई मदर यूज टू हैव रोज वाटर कुछ खीर वगैरह में डालने के लिए, फ्रिज में हमेशा हमारे अवेलेबल रहता था। वहां से मैं रोज वाटर निकाल के अपनी स्किन में अप्लाई कर लेती थी। एंड मुझे याद है कि मेरी मम्मी हमेशा रोज वाटर और ग्लिसरीन का एक मिक्सचर बना के रखती थी विंटर्स में अप्लाई करने के लिए। तो वहीं से मुझे पता चला कि रोज वाटर कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने स्किन केयर में। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई थिंक आई वाज इन स्कूल इन सेवेंथ और एट्थ स्टैंडर्ड, तभी से मैं रोज वाटर हमेशा यूज करती आ रही हूँ। आई डोंट नो मैं कौन से ब्रांड का यूज करती थी, जनरली उस टाइम पे सब लोग डाबर का यूज करते थे। तो वहीं से मैंने रोज वाटर अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड तब से लेकर अभी तक मैं रोज वाटर हमेशा अपने स्किन केयर में रखती हूँ। नो मैटर व्हाट, नो मैटर मैं कहाँ हूँ, कैसा वेदर है, आई डोंट फॉरगेट टू अप्लाई रोज वाटर। बात कर लेते हैं कुछ सजेशंस फॉर रोज वाटर। मेरे पास ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 4 सजेशंस हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कभी भी रोज वाटर खरीदने के पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। फर्स्टली, रोज वाटर खरीदने के पहले आपको देखना है कि इट शुड बी स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर। उसकी पैकेजिंग में कहीं भी लिखा होना चाहिए स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर, तभी आप रोज वाटर खरीदें, अदरवाइज रोज वाटर ना लें। सेकेंडली, आपको क्या करना है, आपको उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करना है, बिकॉज इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन होता है कि रोज वाटर में सिर्फ रोज ही यूज हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, कलर नहीं यूज हुआ है। थर्डली, आपको रोज वाटर का कलर देखना है, बिकॉज रोज वाटर कभी भी पिंक कलर के नहीं होते हैं, दैट मीन्स उसमें एक्स्ट्रा कलर यूज हुआ है। रोज वाटर कलर लेस होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। सो आपको इन तीन बातों का ख्याल रखना है जब भी आप रोज वाटर खरीदें। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी, उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि आप कभी भी कोई भी रोज वाटर लें तो उसमें उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें, बिकॉज इंग्रेडिएंट लिस्ट में हमेशा से रोज जो है वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेंशन होना चाहिए। नाउ आई हैव अ एग्जांपल, आई हैव दिस डॉलर गुलाब जल। सो ये भी गुलाब जल है एंड इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एक्वा, दैट इज वाटर, ओके। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट है, फ्रेग्रेंस दैट इज गुलाब का फ्रेग्रेंस। थर्ड इंग्रेडिएंट इज रोज ऑयल। सो बेसिकली आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं पानी और फ्रेग्रेंस अपने फेस पे। सो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, आप जब भी इसको स्प्रे करेंगे या जब भी आप इसको यूज करेंगे तो इट विल स्मेल लाइक कि आप रोज वाटर अप्लाई कर रहे हैं एंड इसके वही इफेक्ट आपको मिलेंगे जो रोज वाटर से मिलते हैं, बट यू आर नॉट अप्लाइंग रोज वाटर, यू आर जस्ट अप्लाइंग फ्रेग्रेंस इन योर स्किन और आप नॉर्मल पानी यूज कर रहे हैं। सो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप रोज वाटर यूज करें तो हमेशा से उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें। सेकेंडली, आपको देखना है कि वहां पे हमेशा स्टीम डिस्टिल रोज वाटर लिखा होना चाहिए, इसमें तो नहीं लिखा है बट जो मैं नेक्स्ट ऑप्शन दिखाऊंगी उसमें लिखा हुआ है। सो द फर्स्ट वन इज, विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, दिस इज कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर। आई नो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आ जाता है। दिस रिटेल्स फॉर ₹300 फॉर 550 ml ऑफ प्रोडक्ट।
सो दिस इज स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर. इसकी पैकेजिंग में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फ्रंट में स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर. प्लस इसके इंग्रीडियंट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ मेंशन है रोज. रोज वाटर इज मेड अप फ्रॉम कन्नौज गुलाब. तो कन्नौज के जो गुलाब होते हैं दे आर वर्ल्ड फेमस, एंड कन्नौज के गुलाब से जो रोज वाटर बनता है उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं. सो दिस वन इज माय फेवरेट वन. अगर आपको एक्सपेंसिव लगता है तो मेरे पास कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो या दिस वन इज माय फर्स्ट ऑप्शन जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं. माय नेक्स्ट ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट. एंड यहाँ पे मैं आपको जो भी चार ऑप्शन बता रही हूँ दे ऑल आर माई फेवरेट बिकॉज दे आर ऑल टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सबके अपने बेनिफिट्स हैं. सो द सेकेंड वन इज जूसी केमिस्ट्री का 100% बल्गेरियन रोज वाटर. आई नो आपने कई सारे मेरे वीडियोज में इसको यूज करते हुए देखा हुआ है. दिस इज 100% ऑर्गेनिक रोज वाटर. दिस इज बल्गेरियन रोज वाटर और ये बहुत अच्छा है फॉर सेंसिटिव स्किन. फॉर लाइक अगर मैं जो बात कर रही थी रेडनेस अगर आपकी स्किन में हो जाती है या पिम्पल्स एक्ने प्रोन स्किन है तो ये सबसे जेंटल रोज वाटर है. जितने भी रोज वाटर मेरे पास है सबसे जेंटल ये वाला है. सो आई रियली लव दिस वन. बहुत ही सूद करता है, अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. एंड आपको इसे यूज करना होता है विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द प्रोडक्ट. तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप जूसी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट ले रहे हो या जब भी आप रोज वाटर ये वाला ले रहे हो तो आपके पास और स्टॉकअप नहीं होने चाहिए बिकॉज आपको इसे कंप्लीट करना है विदिन 6 months. एंड या दिस वन इज माई सेकेंड ऑप्शन. दिस इज ऑल्सो वेरी जेंटल, गुड फॉर सेंसिटिव स्किन एंड आई लव दिस वन. कमिंग टू माई थर्ड ऑप्शन, दिस इज जस्ट हर्ब स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. एंड दिस इज ऑल्सो कलरलेस. जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि रोज वाटर जो होंगे उसमें अगर एडेड कलर है दैट मीन्स कि उसमें कोई कलर एड किया गया है बिकॉज रोज वाटर में कोई भी कलर नहीं होता है. तो एक बार आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए जब भी आप रोज वाटर अप्लाई करते हैं देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एंड नेचुरल फ्रेग्रेंस. तो ये आपको जरूर ध्यान देना है. नो एडेड फ्रेग्रेंस, नो एसेंशियल ऑयल, नो कलर, ओनली स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर. तो यही चीज मैं आपको बता रही थी कि आपको जो बातों का ख्याल रखना है वो चेक करके ही आप रोज वाटर लीजिएगा. कमिंग टू माई फोर्थ ऑप्शन, दिस इज माई करेंट ऑब्सेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट फेशा आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर. दिस इज ऑल्सो स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर एंड ये आपको रिसीव होगा ग्लास की पैकेजिंग में. यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए. अगर आप ट्रैवलिंग पर्पज से ले रहे हैं तो आप प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं, अदरवाइज देयर इज अ ग्लास ऑप्शन आपके पास रहेगा. ओके, इसके पहले जो मैंने आपको जस्ट हर्ब रोज वाटर दिखाया था ये आपको प्लास्टिक की पैकेजिंग में रिसीव होगा. एक चीज और मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि दिस रोज वाटर इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम कन्नौज का गुलाब. सो मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाए हैं उसमें से बल्गेरियन जूसी केमिस्ट्री बल्गेरियन रोज वाटर को छोड़ के आई थिंक सारे ही कन्नौज गुलाब रोज वाटर है. सो गाइस, दिस वन इज द फोर्थ ऑप्शन एंड इसके भी इंग्रीडियंट लिस्ट में सिर्फ रोज मेंशन है एंड दिस इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम कन्नौज गुलाब. दीज आर द फोर ऑप्शंस जो मुझे आपके साथ शेयर करना था. एंड ऑल्सो जितने मैंने आपको यहाँ पे रोज वाटर दिखाए दे ऑल आर फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स. तो अगर आप इन्हें लेते हैं देन यू कैन डेफिनेटली सपोर्ट इंडियन ब्रांड्स इफ यू वॉन्ट. ऑल्सो आप घर पे भी स्टीम डिस्टिल फॉर्मुलेशन से रोज वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं बट उसके लिए आपको गुड क्वालिटी रोज की जरूरत पड़ेगी. दैट इंडियन वाइल्ड रोज, नॉट दैट रेगुलर जो हमें मार्केट में रेड गुलाब मिलता है उसकी, वो नहीं, पिंक कलर के गुलाब होते हैं. अगर आपको इस पे एक वीडियो देखना है कि घर पे बैठ के हम कैसे रोज वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करेगा. आई विल लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. विद दिस इट्स अ रैप. आई होप यू वाला वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहो, हेल्पफुल रहो. अगर रहो तो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. अल्टिल देन बाय बाय, टेक केयर.